हेलो फ्रेंड्स ये किरण की दस हजार पाँच सौ प्रश्न वाली बुक है और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वन से हंड्रेड तक की सभी संख्याओं के सभी अंकों का योग कितना होगा तो हम सॉल्व करते हैं ऐसी संख्याएं लिख लेंगे इस तरीके से लिखनी नहीं है हमें समझाने के लिए लिख दी तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ से नौ तक है फिर उसके बाद ये तो पूरा दस तक है लेकिन अगर देखी जाए तो दहाई के अंक एक से लेकर नौ तक हैं सभी जगह इसीलिए एन की जगह पे नौ रखते हैं एन की जगह पर नाइन रखेंगे और इसमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाएंगे एन वाई टू एन प्लस वन और फिर से दो बार है ना तो फिर से एन वाई टू एन प्लस वन इंटू में टेन प्लस वन ऐसे करके फॉर्मूला लगाएंगे इसको और एन वाई टू यानी नाइन वाई टू इंटू टेन तो, तो पैंतालीस प्लस पैंतालीस नब्बे हो गया इंटू टेन नौ सौ प्लस वन तो नाइन ज़ीरो वन आंसर होगा इसका तो अगर पहला ऑप्शन देखें तो इसमें आठ और तीन रख सकते हैं तो ग्यारह हो जाएगा आठ और तीन रख के और ग्यारह का पाँच गुना करके तिरासी में से घटाएंगे ग्यारह का पाँच गुना करके अगर तिरासी में से घटाएंगे पचपन तो अट्ठाईस हो जाएगा तो अट्ठाईस तो फिर अंकों का योगफल दस रह जाएगा तो पहला ऑप्शन नहीं होगा अगर दूसरा ऑप्शन देखें सात तो सात में एक और छ रख सकते हैं एक और छः यानी कि ढाई का अंक छः और इकाई का एक तो अगर पाँच गुना करके अंकों के योग का पाँच गुना करके यानी कि सात और सात गुड़ा पाँच पैंतीस इस इकसठ में से घटाएंगे तो छब्बीस बचेगा तो फिर अंकों का योगफल आठ हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में सात दिया है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा अगला अगला ऑप्शन है तीसरा नंबर नौ नौ में अगर रख के देखेंगे तो दो और सात ढाई का अंक सात और इकाई का दो ढाई का अंक सात और इकाई का दो रख के देखते हैं तो फिर ये बहत्तर हो जाएगा और अगर दोनों को जोड़ के पाँच का उठा करेंगे तो पैंतालीस अब प्रश्न के अनुसार बहत्तर में से पैंतालीस को उठाएँगे तो सत्ताईस बचा सत्ताईस बचा यानी यानि अंक पलट गए यानि एक कंडीशन फॉलो हो गई तो हमारा आंसर यही हो जाएगा नौ बहत्तर और सत्ताईस यानी नौ सही होगा और लास्ट में पूछ लास्ट में कह रहा है लास्ट में कह रहा है कि तेरह तेरह नहीं होगा क्योंकि तेरह की जगह हम अगर नौ चार रख के देखते हैं तो ये उनचास हो रहा है और उनचास में चौदह में नौ तो नौ घटाएंगे तो पाँच बचे और आठ में तो चार चार घटाएंगे चार बचेंगे तो ये अंक नहीं पलट रहे हैं कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है ऐसे कुल मिलाकर आंसर हमारा नौ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर तीन अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है और उसके सभी अंकों का योगफल पल अट्ठारह है यदि तो उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या तीन सौ छियानवे कम हो जाती है तद तो अनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है तो कुछ नहीं सिर्फ ऑप्शन से ही करेंगे मतलब ऑप्शन से तो नहीं हो पाएगा बस अपने दिमाग से संख्या बनानी पड़ेगी तो संख्या सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो सैकड़े वाला अंक है वो इकाई वाले अंक का दोगुना होना चाहिए तो दो और चार करते हैं तो छः हो जाएगा फिर बारह रखना पड़ेगा क्योंकि अंकों का योग भी अठारह करना है तो दो से स्टार्ट नहीं कर सकते और तीन से स्टार्ट करके देखते हैं तो तीन यानी कि जो इकाई वाला अंक है वो तीन और सैकड़ा वाला अंक छः तभी तो डबल होगा अब अगर अंकों को उलट दें यानी छः की जगह तीन और तीन की जगह छः कर दें तो जो संख्या है वो तीन सौ छियानवे कम हो जाती है तो लेकिन ये दो सौ सतानवे कम हो रही है तो ये भी नहीं होगा अब चार कर रख के देखते हैं इकाई के स्थान वाले अंक पे चार और सैकड़े वाले पे आठ करेंगे तो दोगुना करना है और अब अंकों को उलटेंगे तो चार आठ की जगह चार और चार की जगह आठ करेंगे तो चार सौ अड़सठ हो गया है अब घटा के देखेंगे तो तीन सौ तो छियानवे आ रहा है यानी इसकी कंडीशन फॉलो हो रही है अब यही संख्या होगी और कोई संख्या आगे हो नहीं सकती है पाँच की जगह फिर दस करना पड़ेगा यानी यही एक संख्या हो सकती है चार और आठ तो बस यहीं पे हमारा आंसर आ जाता है अब यहाँ से ये यह पूछा है कि दहाई और सैकड़े वाले स्थान के अंकों में अंतर कितना है तो दहाई और सैकड़ा यानी कि आठ और छः का अंतर दो तो आंसर आ जाएगा दो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दो अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से पाँच अधिक है यदि दो उन दोनों के अंकों के योगफल का पाँच गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं तदनुसार उस संख्या के अंकों का योगफल कितना है तो हम ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से जल्दी करेंगे और ऑप्शन से करेंगे तो सबसे पहले हम ऑप्शन गलत ऑप्शन को हटा देंगे बस यही सबसे आसान तरीका पड़ता है तो जैसे सबसे पहले ये देखेंगे ग्यारह ग्यारह में हम ऐसे ऐसा जोड़ा बनाएंगे कि इकाई यानी कि जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से पाँच अधिक होना चाहिए तो बनाकर देखेंगे तो बनाने के लिए तो आठ और तीन भी बनाया जा सकता है ग्यारह होता है आठ और तीन तिरासी लेकिन संख्या क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग क्वेश्चन में कह रहा है संख्या के अंकों का योग क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उन दोनों के योगफल का पाँच गुना तो इन दोनों का योगफल ग्यारह हो गया इसका पाँच गुना पचपन और इसमें से घटाएंगे क्वेश्चन नंबर तीन सेवेंटी वन तथा तो एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में फोर्टी सेवन जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है उस नई संख्या को सात से विभाजित करके अठानवे भागफल प्राप्त किया जा सकता है तदनुसार अनुसार वह अज्ञात संख्या में से किस संख्या का गुणक है तो कुछ नहीं है इसमें बस सबसे पहले सेवेंटी वन तथा एक अज्ञात संख्या बोला है तो सेवेंटी वन इंटू एक्स अज्ञात संख्या एक्स मान लेंगे फिर आगे उसमें सैंतालीस जोड़कर तो प्लस सैंतालीस टू वो मतलब अठानवे संख्या प्राप्त हो जाती है तो वो संख्या अठानवे प्राप्त हो जाती है यानी सात से विवाहित करके अठानवे प्राप्त हो जाती है तो बट्टे में सात इक्वल टू नाइन्टी एट फिर जो बट्टे में सेवन है वो उधर ले जाएंगे तो नाइन्टी एट इंटू सेवन इंटू में पहुँच जाएंगे फिर उसके बाद सेवेंटी वन इंटू एक्स इज्वल टू जो फोर्टी जो फोर्टी सेवन है फोर्टी सेवन को इनका इंटू करेंगे तो छः सौ छियासी हो गया छः सौ छियासी में से फोर्टी सेवन को इधर पक्षांतर करके घटा देंगे तो सिक्स थ्री नाइन बचेगा सिक्स थ्री नाइन सिक्स थ्री नाइन को फिर हम जब एक्स का मान निकालेंगे तो सेवेंटी वन को नीचे रखेंगे और छः सौ उनतालीस में भाग देंगे तो नौ बाद जाएगा और नौ किसका गुणा जो होता है तीन इंटू तीन का ऑप्शन में नौ तो दिया नहीं है तीन दिया है तो तीन ही आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर पाँच टू इंटू थ्री यानी कोस्ट में थ्री प्लस फोर ये किसके बराबर है ये बताना है ये तो वैसे ही दिख रहा है ये बराबर चौदह के होगा तो हम देख लेते हैं कौन से चार ऑप्शनों को सॉल्व करके देख लेते हैं चौदह किस किस के बराबर में आ रहा है तो पहला ऑप्शन है थ्री इंटू फोर प्लस दो तो चौदह तो इसमें भी हो गया थ्री इंटू फोर प्लस दो तो पहला ऑप्शन सही हो सकता है अब दूसरा देखते हैं टू इंटू फोर प्लस थ्री यानी कि ग्यारह हो रहा है ये नहीं होगा तीसरा है थ्री इंटू टू प्लस फोर तो ये टेन हो रहा है ये भी नहीं होगा अब चौथा ऑप्शन है टू इंटू थ्री प्लस दूसरे क्वेश्चन में टू इंटू फोर तो यहाँ पे पहले क्वेश्चक का सिक्स और प्लस दूसरे क्वेश्चक का एट तो यहाँ पे भी चौदह हो रहा है तो दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं लेकिन प्रेफरेंस पहले वाले ऑप्शन को देते हैं तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा थ्री इंटू फोर प्लस टू बराबर चौदह लास्ट वाला ऑप्शन में टू इंटू थ्री प्लस टू इंटू फोर सिक्स प्लस एट बराबर चौदह यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही होंगे प्रेफरेंस पहली वाले को देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोल रहा है इस अंक को यदि एक से नौ तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होता है तो हमें बताना है वो कौन सा अंक है तो पहला ऑप्शन देखते हैं ग्यारह तो ग्यारह करके देखते हैं तो ग्यारह इंटू वन टू ग्यारह अब अब अंकों का योग देखेंगे तो दो हो रहा है लेकिन ये ग्यारह है तो ये तो होगा नहीं ऐसे ही दूसरा ऑप्शन देखते हैं नौ इंटू वन इजिकल टू नौ ये हो रहा है योग फल नौ नौ इंटू दो बराबर अठारह यहाँ पर भी योग बन लो नौ इंटू तीन बराबर सत्ताईस यहाँ पर भी योग कर लो नौ इंटू चार बराबर छत्तीस यहाँ पर भी योग नौ नौ इंटू पाँच ऐसे ही हम करते जाएंगे नौ तक चेक कर लेंगे पूरा और और हर कंडीशन में हमें अंकों का योग नौ ही मिलेगा नौ इंटू एट इजिकल टू सेवेंटी टू यहाँ पे भी नौ मिल रहा है नौ इंटू नाइन इजिकल टू एट्टी वन यहाँ पर भी नौ मिलना है, है। इसका आंसर नौ ही रहेगा बाद वहाँ की ऑप्शन अगर हम देखें तो बाद वहाँ की ऑप्शन में पंद्रह है, पंद्रह है तब कैसे भी नहीं हो सकता तो पंद्रह इंटू वन करेंगे तो पंद्रह ही हो रहा है यहाँ पे यहीं भी गलत हो गया है तो सातवां चेक करते हैं सात एक सात और सात दूनी चौदह यहाँ पे पाँच हो रहा है लेकिन सात करना है। तो और कोई ऑप्शन नहीं होगा आंसर हमारा नौ ही रहेगा